हिंदू सिख ईसाई हो या मुसलमान हमेशा की तरह आप सबको हमारा प्रणाम। क्या आप सबको याद है बचपन में क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? क्या बनना चाहते थे? आइए देखते हैं छोटी बच्ची क्या बनना चाहती है। बेटा आप बड़ा से क्या बनना चाहते हो? क्या बनना चाहती हूँ? कंफ्यूजन ही कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। हाँ मैं जवान बनूंगी, मैं इस देश की रक्षा करूंगी। क्यों करना चाहती हो रक्षा? क्यों परिवार को छोड़ के जाना चाहती हो? कोई इस देश के लिए अपना जान कुर्बान क्यों करना चाहता है? क्यों क्यों क्यों, 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 क्यों? अपनी सुरक्षा तो हर कोई चाहता है, मगर इस देश के लिए कोई अपना जान कुर्बान क्यों नहीं करना चाहता है? क्या आप लोग चाहते हैं हमारे बात इतना हमारे लिए क्या क्या करती है? क्या करती है भारतीय सेना? बस बॉर्डर पे जाली तो देती है। आप सबके दिमाग में यही चल रहा होगा, यही गलत फहमी दूर करने के लिए हम लोग यहाँ पे हैं। चलिए आप सब बताते हैं भारतीय सेना हमारे क्या क्या करते हैं। नमस्कार, दूरदर्शन में आप सबका स्वागत है। अभी अभी सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि गुजरात में भूकंप आने से कई सारी लोगों की मौत हो चुकी है, जिसके कारण 30 लोग घायल और 4 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। आर्मी का ऑपरेशन जारी है, आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौटेंगे थोड़ी ही देर में। कहाँ गिर गए? कुएं में। ना बाबा हमसे ना होगा। आर्मी बुलाओ, आर्मी बुलाओ। चाहे मुसीबत छोटी हो या बड़ी, हमेशा आर्मी को ही क्यों बुलाया जाता है, जबकि वहाँ मौजूद लोग मदद करने क्यों नहीं आते? हमेशा आर्मी क्यों आती है? क्यों 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 क्यों? जब इस देश के लिए कुछ करने की बात आती है तो कोई कुछ नहीं करता। क्यों? क्या इस देश की जिम्मेदारी सिर्फ हमारे जवानों पर है? पर क्या हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है? ओए यू ना लम्हा लम्हा मेरी याद में होके तन्हा तन्हा मेरे बाद में नैना आशिक ना हो नैना आशिक ना हो। क्या ये दिवाली रुकेंगे भी कि नहीं? क्या वो वापस आएंगे भी या नहीं? हाँ वापस तो जरूर आएंगे। हमारे जवान कब से निकलते हैं कुछ नहीं पता होता कि वापस लौट कर आएंगे या नहीं। सर पे कफन डाल के निकलते हैं हम, ना है डर खुशी का ना है गम, अगर तिरंगा लहरा ना सके तो तिरंगे पर लिपट के आएंगे हम। ताली उठकर सलामी देगा सलामी कर। क्या आप लोगों ने कांस्टेबल तुक्काराम मामले का नाम सुना है? कैसे नहीं सुना? उन्होंने 26/11 मुंबई अटैक में इतनी बड़ी कुर्बानी जो दी थी अपनी, उन्होंने अपने सीने को गोलियों से छल्ली करवाकर कशाप को पकड़वाया था। और आप उनको भूल गए? ये मत भूलना कि ये सेंटेनरी फंक्शन इसीलिए हो रहा है क्योंकि यहाँ मौजूद जवान ने अपनी जान कुर्बान किया था। होती है जब भी अपनी जान कुर्बान कर देते हैं।
मेरी जिंदगी में कोई शरत की शाम आए, काश मेरी जिंदगी मेरे वतन के काम आए, नो खौफ है मौत का, नो खौफ है आरज़ू की, तब भी जिक्र हो शहीदों का, काश मेरा भी नाम आए। जागो गहरी नींद में सोने वालों, अब वक्त हो चला है, रात होती है अपनी नींद में खो जाते हैं और वो सूरज ढलते ही तैनात हो जाते हैं। उड़ गई है नींद ये सोच सोच के कि शरद पे बहाया हुआ वो खून क्या मेरे नींद के लिए था। जहाँ मैं और तुम हिंदू मुसलमान के लड़ाई में लड़ जाते हैं, वहीं कुछ लोग शरद पे हमारे खातिर अपने जान कुर्बान कर देते हैं। ए मेरे देश के नौजवानों, अभी तक मर के देखा बेवफा सनम के लिए, दुपट्टा ना मिला अपने कफन के लिए, कभी शहीद होके देखो हमारे वतन के लिए। तिरंगा लहराने का कफन के लिए,